हेलो स्टूडेंट्स क्लास सेवन चैप्टर वन इंटीजर्स एक्सरसाइज वन पॉइंट वन फर्स्ट सम फॉलोइंग नंबर लाइन शोज दी टेंपरेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे नंबर लाइन हमें शो की है किस में है डिग्री सेल्सियस डिफरेंट प्लेसेस दी गई है तो उन्हें ऑन ए पर्टिकुलर डे का टैमपरेचर गिवन फर्स्ट पार्ट क्या है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट नंबर लाइन पे हमने क्या टेम्परेचर को ऑब्ज़र्व करना है जितनी भी हमारे पास प्लेसेस है हमारे पास फाइव प्लेसेस है फ़ाइव का ही हमने टेम्परेचर ऑब्जर्व करके जहाँ पर मार्क किया है ना उसका देखना है कि कितना है और तो टेम्परेचर को नीचे हमने राइट करना है अब हमने पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो जीरो की जे राइट हैंड साइड होती है वो कौन सी होती है पॉजिटिव होती है ज़ीरो से जो भी आगे नंबर होते हैं वो क्या है ज़ीरो वन से बड़ा है वन से टू बड़ा ऐसे ये टर्म क्या होती है राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर होती है जो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड होती है वो क्या होती है नेगेटिव इंटीजर्स होती है अब हमने क्या करना है टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस सबसे पहले किसका टेम्परेचर करेंगे टेम्परेचर ऑफ़ स्पीति स्पीति का लहौल एक इधर मार्क माइनस एट एक एक डिग्री सेकेंड हमारे पास कौन सी है श्रीनगर उसका कैसे लिखेंगे टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर उसका कितना है कहा पर माफ किया है वो माइनस टू डिग्री सेल्सियस पर माइनस टू डिग्री सेल्सियस पर थर्ड का टेम्परेचर किसका करना है टेम्परेचर ऑफ शिमला टेम्परेचर ऑफ शिमला फाइव डिग्री सेल्सियस शिमला जीरो के राइट हैंड साइड पे इसलिए ये कौन सा है फाइव पॉजिटिव का है फोर्थ अब किसका टेम्परेचर लेंगे ओ टी का टेम्परेचर ऑफ ओ टी ये कितना है फोर्टीन डिग्री सेल्सियस कहां पर मार्क किया है फोर्टीन पे फिफ्थ टेम्परेचर लेंगे बेंगलुरु का टेम्परेचर ऑफ बैंगलूरू कितना आया ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस फर्स्ट सम इज कम्प्लीट इसमें हमें टेम्परेचर बताना था जो हमें डिफरेंट प्लेसेस दी गई थी कितनी डिफरेंट प्लेसेस थी फाइव डिफरेंट प्लेसेस थी थर्ड का टेम्परेचर किसका करना है टेम्परेचर ऑफ शिमला टेम्परेचर ऑफ शिमला फाइव डिग्री सेल्सियस शिमला जीरो के राइट हैंड साइड पे इसलिए ये कौन सा है फाइव पॉजिटिव का है फोर्थ अब किसका टेम्परेचर लेंगे ओ टी का टेम्परेचर ऑफ 40, ये कितना है फोर्टीन डिग्री सेल्सियस पर मार्क किया है 14 पे फिफ्थ टेम्परेचर लेंगे बेंगलुरु का टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु कितना आया ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस फर्स्ट सम इज कंप्लीट इसमें हमें टेम्परेचर बताना था जो हमें डिफरेंट प्लेसेस दी गई थी कितनी डिफरेंट प्लेसेस थी फाइव डिफरेंट प्लेसेस थी बी पार्ट आ वाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड दी कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग दी अबव अब हमें जो फाइव प्लेसेस दी गई है इनमें हमने देखना है कि सबसे हॉटेस्ट कौन सी प्लेस है और सबसे कोल्डेस्ट कौन सी प्लेस है जो जीरो के राइट हैंड साइड है वो कौन से होते हैं पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनमें उनमें से कौन सी आएगी प्लेस हमारी हॉटेस्ट प्लेस सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है बेंगलुरु कितना ट्वेंटी टू और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है हमारे पास माइनस एट वो कौन सी है लाहौल स्पीति लाहौल स्पीति हम कैसे सॉल्व करेंगे टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस वो कितना है टेम्परेचर हमारे पास ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस अब किसका लिखना है टेम्परेचर कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस वो कितना है माइनस एट डिग्री सेल्सियस अब हमने हॉटेस्ट से कोल्डेस्ट टेम्परेचर दोनों में क्या करना है डिफरेंस बताना बताना है कैसे लिखेंगे डिफरेंस क्या करेंगे हॉटेस्ट टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर को माइनस करेंगे ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस से माइनस करेंगे कौन सा सेकंड वाली माइनस एट डिग्री सेल्सियस अब एट के साथ क्या लगा है माइनस इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लेंगे माइनस एट डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस हो गए एट डिग्री सेल्सियस अब हमारे पास कितना आया ट्वेंटी टू विच एट को प्लस किया कितना आया थर्टी डिग्री सेल्सियस ये हमारा क्या था डिफ़रेंस किन में हॉटेस्ट प्लेस में और कोल्डेस्ट प्लेस में सी पार्ट में क्या दिया गया वाट इज़ दी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर अब लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर बिच टेम्परेचर डिफरेंस बताना है इसे कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति कितना है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है माइनस एट डिग्री माइनस एट डिग्री सेल्सियस सेकंड टेम्परेचर ऑफ़ श्री नगर उसका कितना है टेम्परेचर माइनस टू डिग्री सेल्सियस माइनस टू डिग्री सेल्सियस अब हमने क्या करना है इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करना है डिफरेंस क्या करेंगे माइनस टू डिग्री सेल्सियस तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना अब माइनस एट डिग्री सेल्सियस एट के साथ भी क्या लगा है माइनस लगा इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे माइनस टू डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस को क्या किया प्लस किया एट डिग्री सेल्सियस अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस एट में से टू को माइनस किया कितना आया डिग्री सेल्सियस डिफरेंस आया वा लाहौल स्पीति ते श्रीनगर कितना सिक्स डिग्री सेल्सियस सेकेंड सम क्या है ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ तो फाइव थाउजेंड मीटर द सी लेवल ਐਟ a ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਅਬੋਵ a ਸਮਰਨ ਇਨ ਫਲੋਟਿੰਗ 1200 ਮੀਟਰ ਬਿਲੋ ਦਾ ਸੀ ਲੈਵਲ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੀਟਵੀਨ 뎀 ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਫਲਾਈਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ 5000 ਮੀਟਰ ਸੀ ਲੈ ਅਬੋਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਟ a ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਅਬੋਵ ਇੱਕ ਸਮਰਨ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਫਲੋਟਿੰਗ ਬਿਲੋ ਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਪਈ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 1200 ਮੀਟਰ अब व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना वा एक शिप के समरीन के प्लेन के नीचे हमें डायग्राम दी गई है जो जीरो है जीरो की लेफ्ट हैंड साइड में कौन से साइन आते हैं नेगेटिव साइन आते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या करती है डिग्रीज करती है इसलिए सबमरीन जो है सी लेवल के अंदर है उसका कितना है ट्वेल्व हंड्रेड उसके साथ क्या लगेगा माइनस जो जीरो की राइट हैंड साइड होती है हो, वो क्या होती है पॉजिटिव होती है वो कितना है हाइट प्लेन फाइव थाउजेंड इट मींस वो कितना होगा पॉजिटिव होगा हाइट ऑफ प्लेन कितनी है फाइव थाउजेंड सममरीन का कितना है ट्वेल्व हंड्रेड इसे कैसे सॉल्व करेंगे डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्लाइंग अबव सी लेवल कितना आया फाइव थाउजेंड मीटर अब ए क्या है अबव अब जीरो तो राइट हैंड साइड वैल्यू क्या होती है इनक्रीज होती है इट मींस कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव का साइन आएगा सेकंड किसका करना है डिस्टेंस ऑफ सब मरीन फ्लोटिंग बिलो द सी लैवल एक समरीन है वह समुंदर के अंदर चलती है वो कि सू गिवन है ट्वैल्व हंडर्ड बिलो अंदर इट मीन्स वह कौन सा नैगेटिव कौन सा साइन आएगा नैगेटिव का साइन माइनस ट्वेल्व हंडर्ड मीटर हूँ इन्होंने दोनों क्या करना वर्टीकली डिस्टेंस फाइंड करना वर्टीकली डिस्टेंस बिटवीन दैम क्या लेंगे सबसे पहले हम डिस्टेंस लेंगे प्लेन का कितना था फाइव थाउजेंड उसे माइनस करेंगे समरीन देसमरी डिस्टेंस हो दे डिस्टेंस न पहले तो किया माइनस लगा माइनस ट्वेल्व हंड्रेड फाइव थाउजेंड माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए कितना आ गया ट्वेल्व

the next day if withdrawal of amount from the account is represent by a negative integer then will you represent the amount deposit find the balance in mohan account after the withdrawal mohan ne deposit karwaya va wa, 2000 rupiya apne bank de account de vich te ohne kinne kadwaye withdrawal da matlab hunda kinne paise kadwaya 2000 vichon 2000 jehde ne ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ 1642 ਰੁਪੀ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਦਿਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵਿਡਡਰੋਅਲ ਆਫ ਅਮਾਉਂਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਢਵਾਏ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ 네ਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਰੀਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ देन विल यू ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਮੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫਟਰ ਦੀ ਵਿਡਡਰੋਅ ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਿਡਡਰੋਅ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਦੇ ਬਚਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਕਿਆ ਲਿਖੇਗੇ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ कितना आ रुपीज़ टू थाउजेंड तो अमाउंट विदड्रॉल कितना था वन थाउजेंड सिक्स हंड्रड फोर्टी टू हूँ जिड़ी जीड़ी उन्हें अमाउंट विदड्रॉल करवाई सी ओ की शो करती रिप्रजेंट करती पी है नैगेटिव इंटीजर हूँ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਮੋਹਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਮੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੁਪੀਏ 2000 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ 1642 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ टू थाउजेंड चो माइनस करना रुपीज़ सिक्स फोर टू को अब टू थाउजेंड में से वन थाउजेंड सिक्स हंड्रड फोर्टी टू को माइनस कराया तो कितने ही रुपीज़ आए थ्री हंडरड फिफ्टी एट कितना बैलेंस था मोहन दे अकाउंट विचों थ्री हंड्रड फिफ्टी एट डिपोजिट करवाया टू थाउजेंड टू थाउजेंड में किन्ने पैसे कडवाए वन थाउजेंड सिक्स हंड्रड फोर्टी टू ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ 1642 ਰੁਪਏ ਨਿਕੜਵਾ ਲਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 2000 ਵਿੱਚੋਂ 1642 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ 358 ਰੁਪੀਸ 4th sum verify a minus, bracket start b bracket close a b फॉर दी फॉलोइंग वैल्यू ए एंड बी अब हमने ये वेरीफाई ये करना है तो फॉलोइंग वैल्यूज़ के दी दी होंगी ए एंड बी दी ए दी वैल्यू ट्वेंटी वन बी की वैल्यू एटीन है इस फॉर्मूले में वेरीफाई करना है कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले माइनस ए ब्रैकेट स्टार्ट माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी इसमें हमने वैल्यूज़ को वेरीफाई करना है फिल करना है अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले ए माइनस माइनस बी की अब हमने ए कितना दिया है ए की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी वन साइन कौन सा है बीच में माइनस का ब्रैकेट स्टार्ट बी के साथ क्या है माइनस बी की वैल्यू कितनी है एटीन ट्वेंटी वन माइनस माइनस प्लस कितना एटीन ट्वेंटी वन एटीन को प्लस किया कितना आया थर्टी नाइन लेफ्ट हैंड साइड हमारे कितनी आई थर्टी नाइन सेम ऐसे ही हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है ए प्लस बी को अब ए की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी वन बीच में साइन कौन सा है प्लस का बी की वैल्यू कितनी है एटीन है ट्वेंटी वन एटीन प्लस कितने कितने थर्टी नाइन साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड साडा सम किया वेरीफाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड दे फिर सम यूज साइन ऑफ ग्रेट लेस और इक्वल इन दी बॉक्स टू मेक स्टेटमेंट ट्रू सबसे पहले हमें क्या ए पार्ट में क्या दिया है माइनस एट प्लस माइनस फोर बॉक्स दिया है माइनस एट माइनस ब्रैक स्टार्ट माइनस फोर अब हमने इन लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है सॉल्व करके देखना ही पे इन तीन मो से कौन सा साइन यूज होता है कैसे सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा माइनस एट प्लस माइनस फोर प्लस माइन माइनस एट एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस कितना आया माइनस फोर माइनस एट माइनस फोर माइनस माइनस प्लस हुए एट विच फोर प्लस कितने कितना आया ट्वेल्व नाल में साइन कौन सा आया माइनस का एट टर्म में उसके साथ माइनस लगा हुआ है राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे माइनस एट माइनस माइनस फोर माइनस एट एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस नाल क्या है फोर प्लस माइनस माइनस एट च फोर माइनस कितने कितना आया फोर बड़ी टर्म के साथ क्या लगाए माइनस क्या लगाएगा माइनस अब क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ट्वेल्व है राइट हैंड साइड हमारे पास कितनी है माइनस फोर कैसे लिखेंगे माइनस ट्वेल्व व किया वा लेस आएगा वह माइनस फोर ना लो माइनस ट्वेल्व छोटा व माइनस फोर ना लो माइनस फोर टर्म कैसे फिल करेंगे Minus eight plus minus four less minus eight minus bracket star minus four.